गंगा और हिमालय एक दूसरे के पर्याय हैं। गंगा देवलोक की सुरसुरी है, उसे इस मृत्युलोक में जीवों के उद्धार के लिए लाया गया था। स्वर्ग से अवतरित हुई माँ गंगा ने जब पृथ्वी लोक का प्रथम स्पर्श किया तो वो स्थान भी स्वर्ग हो गया। धरती का ये नया स्वर्ग उत्तराखंड कहलाया। देवताओं की ये भूमि कालांतर में ऋषि मुनियों की तपस्थली बनी, इसलिए देवभूमि और तपोभूमि का ये भाव इसके कर्ण कर्ण में विराजमान है। उत्तराखंड के हिम नदों से जन्म लेती जलधाराएं गंगा के प्राण हैं। ये जल शिराएं उत्तराखंड की धरती को समृद्ध रूप देती है। कहते हैं कपिल मुनि के शाप से जब राजा सगर के 64,000 पुत्र भस्म हो गए थे, तब उनको मोक्ष दिलाने के लिए राजा दलीप के घर भगीरथ ने जन्म लिया था। भगीरथ ने अपने 64,000 पुरखों को स्वर्ग पहुंचाने तथा शाप से मुक्ति दिलाने के निमित्त कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या पर ब्रह्मा जी ने विष्णु के पाद में रहने वाली देव सलील गंगा को इस शर्त पर मुक्त किया था कि गंगा की प्रबल धारा तथा महाशक्ति को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की भी तपस्या करनी होगी। शिव गंगा के प्रबल धारा के वेग को संभाल सकते हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो गंगा पृथ्वी पर उतरते ही महाप्रलय को जन्म दे देगी। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। तत्पश्चात जटा की एक लट को खोलकर गंगा को बिंदुसार से मुक्त कर दिया। यहाँ से गंगा की 7 धाराएं बनी। 7वीं धारा ही इस धरती पर जीव जगत के कल्याण हेतु तथा राजा भगीरथ के 64,000 पुरखों को तारने चल पड़ी। यही जीवन दायिनी गंगा कल कल निन्नाद करती जीव जगत के कल्याण हेतु आज भी सतत प्रवाहित हो रही है। इस धरती को शस्य श्यामला बनाकर असंख्य जीवों का भरण पोषण करने तथा ऊर्जा प्रदान करने वाली ये सलील गंगा माँ है। धन्य है ये धरती जहाँ गंगा अवतरित हुई। गंगा और हिमालय की पवित्रता को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। गंगा की पवित्रता गौमुख से लेकर गंगा सागर तक बनी रहे, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। अनादिकाल से वर्तमान तक तथा भविष्य के भव सागर की ओर प्रवाहमान माँ आज हमारी चिंता ही नहीं वरन चिंतन में भी पहली प्राथमिकता में शामिल हैं। अतः समझाना होगा इसकी आत्मा को। इसके प्रवाह तंत्र के भूगौभार्य, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वरूप को, गंगा के प्रति हम सबका मानवीय व्यवहार संयमित हो सके और भगीरथ जैसे हमारे पुरखों की गंगा रूपी विरासत को आगे की पीढ़ी को शस्य श्यामला रूप में सौंप सके। स्पर्श हिमालय पतित पावनी मोक्षदायिनी सुर सरिता माँ गंगा को नमन करता है।